बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्लेटी हेलमेंथिस। पहले हमने पढ़ा था जो हमने पिछले लेक्चर में, यानी कि नाइडेरियंस के बारे में पढ़ा था। उससे पिछले लेक्चर में हमने स्पॉन्जिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्पॉन्जिस थे पैराफेरा, जो जो हमारे थे पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के मेम्बर से, ठीक है। और ये जो अब हैं, यानी कि उसके बाद हमने पढ़ा था, वो जो ग्रेड था वो अलग से निकल गया था, वो पैराजोआ ग्रेड था। ग्रेड यू मेटाजोआ के अंदर हमने पढ़ा था। फिर आगे दो ग्रेड्स हैं, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलिटेरिया। ग्रेड रेडिएटा के अंदर हमने पढ़ लिया था नाइडेरियंस को, यानी कि फाइलम नाइडेरिया, ठीक है, जिसमें हमने हाइड्रा की मिसाल ली थी, ठीक है। और फिर बाद में ग्रेड बाइलिटेरिया, और आज हम स्टार्ट करें ग्रेड बाइलिटेरिया, ठीक है। बाइलिटेरिया, ये जो ग्रेड बाइलिटेरिया है, इसको हमने अब डिटेल से आगे पढ़ना है सारे चैप्टर के अंदर। ग्रेड बाइलिटेरिया कोई, तो ये जो ग्रेड है इसके अंदर कौन से जानदार हैं, इसके क्या क्या करेक्टर्स हैं। जब हमने ये ग्रेड बाइलिटेरिया पढ़ा था, मैंने बताया था कि इसको बाइलेटरल, यानी कि इसकी टू साइड्स होती हैं। अब हमने वो जानदार पढ़नी है जिनको हम सिर्फ एक ही प्लेन में काट सकते हैं, यानी कि जिसके सिर्फ दो मिरर इमेजेस बन सकते हैं, ये दो से ज़्यादा नहीं बन सकते। ग्रेड रेडिएटा के अंदर ये था कि उनके दो से ज़्यादा मिरर इमेजेस बन सकते हैं, अगर हम उनको हाइपोथेटिकली इमेजिनरी उनको काटें, अगर हम उनको इमेजिनरी काटें तो उनके हाइपोथेटिकली मिरर इमेजेस बन सकते हैं, ज़्यादा, दो से ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन ग्रेड बाइलिटेरिया में सिर्फ दो ही मिरर इमेजेस बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम ग्रेड बाइलिटेरिया के अंदर जो पहला फाइलम, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, ग्रेड बाइलिटेरिया के अंदर ये जो फाइलम है प्लेटी हेलमेंथिस, ये क्या है, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये क्या है, इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये सीलोमेट्स, यानी कि क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट्स है, मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, सीलम नहीं होती, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। जो पिछले थे नाइडेरियन, वो थे डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट्स, मतलब सीलम होना ना होना वो तो अलग था ना, क्योंकि सीलम तो तब बननी है जब तीसरी लेयर मीजोडर्म बनेगी। मतलब यहाँ पर स्पेशल करेक्टर क्या है, राइज हो चुका है, मीजोडर्म, ठीक है। अब उनके अंदर मीजोडर्म नहीं थी, बल्कि उनके अंदर मिजोगलिया था सेंटर में, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेंटर में जो था, ये एमीबॉइड सेल्स का वो क्या है, मीजोगलिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, बकायदा मीजोडर्म बन चुकी है, ठीक है। ये है इसके बेसिक तीन करेक्टर्स। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमने हर जानदार के अंदर उसके सिस्टम्स पढ़ने हैं, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका डेवलपमेंट, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी फीडिंग हैबिट, ठीक है। अब हमने ये सारी वन बाय वन पढ़नी है। अब यहाँ पर पहले हम इसकी लाइफस्टाइल से स्टार्ट करते हैं कि इसका लाइफस्टाइल कैसा होता है, प्लेटी हेलमेंथिस का लाइफ। ये एक्चुअली लाइफस्टाइल जो है इनका, ये पैरासिटिक होते हैं ज़्यादातर, और कुछ सेसाइल होते हैं, कुछ लोकोमोट करते हैं, यानी कि दोनों ही लोकोमोशन भी होती है। इनमें कुछ मोटाइल्स हैं, कुछ मोटाइल हैं यानी कि मूव करते हैं, और कुछ सेसाइल भी हैं, ठीक है, यानी कि वो इतने मूव नहीं करते। जो मोटाइल है, मैं आपको उसकी एग्जांपल बता देता हूँ, एक जैसे कि जहाँ पर हमारे, हम पढ़ते हैं प्लेन एरिया को, ये जो प्लेन एरिया है ये इसी का मेंबर है प्लेटी हेलमेंथिस का। आप लोग इसकी एग्जांपल ऐसे याद रख सकते हो, पी फॉर प्लेटी हेलमेंथिस, पी फॉर प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया प्लेटी हेलमेंथिस, ये आप लोग इसको याद रख सकते हो। अब ये जो प्लेन एरिया है ये क्या है, मूव करता है, यानी कि लोकोमोटाइल है, ये मूव करता है। अब ये मूव कैसे करता है, इसकी मूवमेंट होती है बाय सीलिया, यानी कि इसकी बॉडी पर सीलिया होती हैं, ठीक है। ये अपने सीलिया की मदद से लोकोमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक, ये वाला एक क्या है हमारे पास, प्लेन एरिया है, ये जो एक हमारे पास प्लेन एरिया है, ठीक है, ये जो इसके साइड्स पर क्या हैं, इसके साइड पर सीलिया लगे हुए, छोटे सीलिया लगे हुए, ठीक है। ये अपने सीलिया की मदद से लोकोमोट करता है प्लेन एरिया, यानी कि इसकी मदद से ये मोटाइल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यानी कि लाइफ स्टाइल के अलावा इनकी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, इनकी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में इसकी न्यूट्रिशन में आ जाता है
यानी कि ये क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है। तो इनका न्यूट्रिशन का खाने का स्टाइल डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया कि ये पैरासिटिक हैं, यानी कि मोस्टली ये 99% जो हैं ये क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। इसके सारे मेंबर्स क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। और ये जो इसके अंदर पैरासाइट्स भी हैं मोस्टली जो हैं वो एंडो पैरासाइट्स, ठीक है। ज़्यादातर क्या है इनके अंदर, एंडो पैरासाइट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो होती है लीवर फ्लूक, जिसे हम फेशुला हिपेटिका कहते हैं, ठीक है, फेशुला हिपेटिका, फेशुला हिपेटिका, ये भी क्या है, ये साइंटिफिक नेम है लीवर फ्लूक का, जो कि मतलब लीवर की जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में ये रहता है वहाँ पर इंसान के, ठीक है। इसी तरह जो जो ना टीनिया सुलेनियम फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेप वर्म जो है, ठीक है, टेप वर्म भी इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ठीक है, इंसान को नुकसान पहुँचाता है वहाँ पर। तो इस तरह और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एंडो पैरासाइट्स हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनका लाइफस्टाइल हो गया है, नेक्स्ट यानी कि इनकी न्यूट्रिशन भी हो गई, नेक्स्ट हम इनकी पढ़नी है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम इनका, कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो है डेफिनेटली ये क्या है, क्या है, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स को इतना डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप चाहिए नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो बनी बनाई खुराक लेनी है। अभी जो एंडो पैरासाइट्स हैं उनको तो खुराक आयल, फॉर एग्जांपल ये जो टीनिया यानी सुलेनियम, फॉर एग्जांपल जो टेप वर्म है, टेप वर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा है, अब उसको ऑलरेडी खुराक जो मिल रही है डाइजेस्टेड मिल रही है इंसान की तरफ से, इंसान ने खुराक डाइजेस्ट कर ली है लेकिन वो डाइजेस्टेड फूड ले रहा है, अब उसको क्या ज़रूरत है डाइजेस्टिव सिस्टम रखने की। इसी वजह से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पुअरली डिवेलप्ड होता है, पुअरली डिवेलप्ड, और अक्सर के अंदर तो होता ही एबसेंट है, ठीक है, अक्सर के अंदर होता ही नहीं डाइजेस्ट सिस्टम, और अक्सर के अंदर पुअरली डिवेलप होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट सिस्टम होता है, ज़्यादा डाइजेस्ट सिस्टम इनका वेल डिवेलप होता ही नहीं है, ठीक है। ये था इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि डाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो है वेस्ट को एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एक वेल डिवेलप होता है, यानी कि दूसरे की नस्बत, यानी कि जो हमने पिछला पढ़ा नाइटेरियंस, उनकी नस्बत इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनके तो एक्सक्रीशन सिंपली डिफ्यूंस ही हो रही थी, इनके अंदर भी सिंपल डिफ्यूंस भी होती है, क्योंकि इनके अंदर जो बाकी सिस्टम्स हैं वो सिंपल डिफ्यूंस ही होती हैं, लेकिन इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम, प्रोटोनेफ्रीडिया। इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज ये प्रोटोनेफ्रीडिया हैं, इस तरह ये आपस में मिले होते हैं, ये साइड्स पर बॉडी वॉल की साइड पर प्रोटोनेफ्रीडिया हैं, और यहाँ पर ये आउटसाइड यानी क्या होते हैं, यहाँ पर पोर्स होते हैं इसकी बॉडी वॉल में, जो कि आउटसाइड बॉडीज को रिमूव करवाते हैं फिर वेस्ट को, ठीक है, इसके वेस्ट बॉडी से बाहर फिर निकल जाए इन पोर्स के थ्रू, ये हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। और ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया क्या हैं, इनके प्रोटोनेफ्रीडिया, और ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदरली साइड पर होते हैं कुछ सेल्स जिनके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, क्या होते हैं, इनके ऊपर सीलिया लगे होते हैं इस तरह, यानी कि एक ना टफ्ट ऑफ सीलिया होता है, वो जो टफ्ट ऑफ सीलिया अंदर की तरफ ऐसे बीट करता है, जब वो अंदर बीट करता है ऐसे, तो अंदर से जो वेस्ट होगा वो वेस्ट इसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम के अंदर आ जाएगा, फिर प्रोटोनेफ्रीडियम से आउटसाइड द बॉडी निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम ये जो पोर है इसको हम नेफ्रीडियो पोर बोलते हैं, ठीक है, ये जो पोर क्या है, पोर को बोलते हैं नेफ्रीडियो पोर, पोर को हम नेफ्रीडियो पोर बोलते हैं। अब यहाँ से जो वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसकी बीट से, सीलिया की बीट से, ये जो सीलिया बीट करते हैं बिल्कुल फ्लेम की तरह, जैसे एक जो कैंडल होती है कैंडल का फ्लेम बीट करता है, बिल्कुल वैसे ही ये जो सीलिया बीट करते हैं,
इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। क्योंकि ये बिल्कुल फ्लेम की तरह बीट करता है, इसलिए ये था इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका काफ़ी ज़बरदस्त है पिछले फाइलम की निस्बत। आगे से आगे हम जैसे फाइलम्स पढ़ते जाएंगे सबका ये सिस्टम्स वेल डेवलप होते जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ना है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सिंपल डिफ्यूजन। इनकी सिंपल क्या होती है, यहाँ से डिफ्यूजन होगी गैसेस की, इनकी वाल से गैसेस डिफ्यूज़ करती जाएंगी जस्ट। ठीक है, गैसी डिफ्यूज़ करके अंदर चले जाएंगे, बस ये इनकी सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका ऐसा ही है। इनमें इनके अंदर बकायदा ओस्मो रेगुलेशन भी होती है इनके अंदर बकायदा, यानी कि ये सिस्टम मेंटेनेंस के सिस्टम्स इनके अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका बहुत ज़बरदस्त है, वेल डेवलप है। ये याद रखना कि ये पैरासाइट्स हैं, इसलिए जब ये पैरासाइट्स हैं तो इसका मतलब इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी एक अलग तरीके से होगी, पैरासिटिक तरीके से होगी। अब ये जो है इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है दो तरह से, एक होती है सेक्सुअल, दूसरी होती है क्या कहते हैं उसको, कहते हैं एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये जो एसेक्सुअल है इसके अंदर क्या होती है, इनके अंदर बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब ये फिशन के जरिए टूटते हैं, यानी कि सेंटर्स ये टूटेंगे, टूट के दो बन जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर बाइनरी फिशन से, यानी कि फिर वो बाइनरी फिशन से दो टूट के फिर आगे वो रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों टूट के वो क्या हो जाते हैं, रीजनरेट। और वो वाला पार्ट जो आगे जाके न्यू बनता है, यानी कि अगर सपोज कि ये यहाँ से टूटा है, ठीक है, ये यहाँ से टूट के ये वाला आगे न्यू बन जाएगा, ये आगे न्यू बन जाएगा, ये जो आगे न्यू बनेगा उसको हम बोलते हैं जोइड। जो आगे न्यू बन रहा है उसको बोलते हैं जोइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम पीछे एक ना क्लोनी के मेंबर को जोइड कह रहे थे, यहाँ पर इसके एक पार्ट को जोइड कह रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये होते हैं हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर होती हैं। ठीक है, इनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल ऑर्गन्स, वो यहाँ पर होते हैं इसके बॉडी के वाल के साथ साथ ही। ठीक है, मेल फीमेल ऑर्गन्स भी इसके अंदर होते हैं बॉडी के वाल के साथ साथ ही, यानी कि इसके टेस्टिस और ओवरीज। अब इनके अंदर कभी सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, ये नहीं आप सोचना कि इनके अंदर, हालांकि स्पर्म्स भी बनते हैं एग्स भी बनते हैं एक के अंदर ही, लेकिन इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती बल्कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। यानी कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, फर्टिलाइजेशन होगी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो इसका मतलब नए नए करेक्टर्स पैदा होंगे, ताकि वो अपने आप को माहौल के मुताबिक अडेप्ट कर सकें, माहौल के मुताबिक वो रह सकें। ठीक है, ये इसका तरीका है, ये इनकी रिप्रोडक्शन थी। नेक्स्ट है इनकी डिवेलपमेंट, यानी कि इनके अंदर डिवेलपमेंट कैसे होती है। डिवेलपमेंट को पढ़ना, चलो पहले डिवेलपमेंट पढ़ लेते हैं कि डिवेलपमेंट कैसे होती है, फिर बाद में इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता दूंगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या हैं इसके अंदर थोड़े से। जो इनके अंदर डिवेलपमेंट है, डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट में ये क्या करते हैं, ये दो होस्ट पर जाती हैं, एक होस्ट पे नहीं रहते, ये दो होस्ट पे जाती हैं। एक इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है, दूसरा इनका परमानेंट होस्ट होता है। एक होस्ट यानी कि ये डबल होस्ट पे जाती हैं। मैं यहाँ पर एक लाइफ साइकिल बनाने लगा हूँ, ठीक है, जिसका नाम यानी कि जो टेप वर्म है
उसी का ही लाइफ साइकिल बनाने लगा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो कैसे डिवेलप करता है, अपने लाइफ साइकिल में कैसे ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पर सपोज है कि ये था बीफ गोश्त, बीफ जो गोश्त था, ठीक है, वो उसके अंदर था, वो जो स्पोर्स थे उसके अंदर एक एम्ब्रियो था इसका बना हुआ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो समझते हो ना, जाइगोट से आगे बनना एम्ब्रियो। तो इस बीफ के अंदर था, क्या था इसके अंदर, था ये एम्ब्रियो। अब वो जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, इंसान बीफ को खा जाता है, इंसान बीफ को करता है इंजेस्ट करता है, जैसे इंसान बीफ को इंजेस्ट करता है तो साथ ही ईट लिख लो यहाँ पर, ठीक है, ईट, इंसान बीफ को ईट करता है, खाता है, तो साथ ही अगर बीफ सही तरह ना पका हो तो उसका एम्ब्रियो भी इंसान के अंदर चला जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर और क्या किया जाता है, वहाँ पर उसको सर्जिकली भी रिमूव करवाया जाता है, डिफरेंट तरीक़ों से रिमूव करवाया जाता है। एक तरीका है एनीमा, उसको बोलते हैं एनीमा, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पर इसके डायग्राम बनाता हूँ, ये सपोज कि इस तरह की एक आगे नीडल लगी होती है, उसके पीछे इस तरह का पाइप सा, जैसे एक पंप सा पीछे लगा हुआ है, इसको बकायदा उसके ना रेक्टम के थ्रू, ठीक है, उसके यानी कि क्या कहते हैं, एनस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, फिर वो जाता है इंटेस्टाइन तक, वहाँ से उसको फिर क्या कहते हैं, जो ये जो पैरासाइट चिपका हुआ है उसको रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस कहते हैं एनीमा करना, ठीक है, एनीमिया नहीं कहना, एनीमिया होती है शॉर्टेज ऑफ आरबीसीज, ठीक है, एनीमा है ये, ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको रिमूव करवाते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी मदद से रिमूव करवाया जाता है, अगर ये रिमूव हो जाए सारा कम्प्लीटली फिर तो ठीक है, अगर ना हो, इसका हेड अकेला बच जाए, सपोज कि इसका अकेला हेड बच गया अंदर, बाकी सारा हिस्सा रिमूव हो गया लेकिन इसका हेड अंदर ही चिपका रह गया, तो ये हेड से फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। जब ये रीजनरेट फिर से अपनी नई बॉडी, सारी बॉडी कंप्लीट बना लेगा, जब ये बॉडी अपनी कंप्लीट बना लेगा तो फिर इसका एक बॉडी का पार्ट होता है जिसके अंदर इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्लोटिड, इसका एक बॉडी का पार्ट है उसको बोलते हैं, जो एक इसका सेगमेंट है, टेप वर्म होता है सेगमेंटेड, ये नहीं समझना, आगे हम सेगमेंटेड वर्म्स पढ़ेंगे, सेगमेंटेड वर्म्स और होते हैं, मतलब इसके खाने बने हुए हैं वैसे ही, ठीक है, सेगमेंट्स बने हुए हैं, तो ये जो रीजनरेट होता है इसका जो एक खाना है उसको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड। ये जो प्रोग्लोटिड है ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, फिर बाद में ये आगे क्या करेगा, जाएगा यूट्रस में, ठीक है, ये फीमेल की यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से फिर क्या होगा, यूट्रस से इसके बनेगा जाइगोड, यानी कि एगोस्पर्म मिलने से जाइगोड बन जाएगा, जाइगोड बन के ये बकायदा एक सीड लाइक स्ट्रक्चर स्पोर बन जाएगा एक, ठीक है, फिर ये जो इसका स्पोर होगा, स्पोर फिर क्या करेगा, फीसिस के थ्रू रिलीज हो जाएगा, फीसिस के थ्रू यानी कि बॉडी के एक्सक्रीटरी वेस्ट के थ्रू रिलीज हो जाएगा बॉडी से, फिर बाद में वो जो बॉडी से रिलीज हो गया फिर वो जाएगा काओ के अंदर, उसको काओ खा जाएगी, ठीक है, फीसिस जहाँ पे घास वगैरह पड़ी होंगी, जब वो घास खाएगी तो साथ ही ये भी चला जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, फिर ये जाएगा वहाँ से उसके डाइजेस्ट सिस्टम से होता हुआ उसके ना मस्कुलर सिस्टम यानी कि दोबारा बीफ में चला जाएगा, ठीक है, ये था एक पूरा लाइफ साइकिल, ये एक पूरा क्या है, ये एक लाइफ साइकिल है किसका, टेप वर्म का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेप वर्म, टेप वर्म का, ये इस तरह डिजीज कॉज करता है, इस तरह का तरीका, जब एक जानदार एक पैरासाइट डिजीज कॉज करे, ये तरीका इसको बोलते हैं इन्फेस्टेशन बोलते हैं इसको हम, इन्फेस्टेशन। अब इसकी डिजीज से बचने का जो तरीका है, डिजीज से बचने का तरीका उसको हम बोलते हैं डिसइन्फेस्टेशन, यानी कि डिजीज से बचने का तरीका। अब ये जो इसका जो डिसइन्फेस्टेशन होगी,
ये जो इसकी डिसइंफेस्टेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेफिनेटली ये बीफ से स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये बीफ से स्टार्ट होगा हम क्या करेंगे, बीफ ऐसा खाएंगे जिसके अंदर ये ख़त्म हो चुका हो, एम्ब्रियो ना हो उसके अंदर। जब उसके अंदर एम्ब्रियो नहीं होगा तो मतलब क्या है, हम ईट करेंगे तो ये सारा प्रोसेस भी नहीं चलेगा, इसलिए हमें चाहिए कि बीफ को अच्छी तरह पकाएं। और डिसइंफेस्टेशन का दूसरा तरीका एनीमा है, एनीमा और बीफ को अच्छा पकाना, ये इसके बस दो जो एक दो तरीके हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं। अच्छा, इसका जो पैरासिटिक मूड यानी कि मोड ऑफ लाइफ है उसके अंदर, इसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस हैं, इनके कुछ इनके तरीकाकार हैं, वो अडेप्टेशंस क्या हैं, वो ऐसे कौन से तरीकाकार हैं जिनकी मदद से ये वेल डेवलप हो जाता है अपने पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, इनका जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो जो है इनका अंदर मोड ऑफ लाइफ जो पहला पॉइंट है वो है कि इनकी जो एक्टोडर्म है, इनकी जो एक्टोडर्म है ठीक है, उसके ऊपर होती है क्यूटिकल, उसके ऊपर क्या होती है क्यूटिकल। अब ये जो क्यूटिकल है ये क्या करती है, इसको ना प्रोटेक्ट करती है जो होस्ट है उसके एंजाइम से, वरना होस्ट के एंजाइम्स तो इसको खा जाएंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे ठीक है, लेकिन इसकी जो क्यूटिकल है वो क्या करती है, इसको होस्ट के एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। और इसकी जो एक्टोडर्म है उसको हम बोलते हैं टैगनम, उसको हम टैगनम बोलते हैं ठीक है, इसकी जो आउटर वाल है उसको हम टैगनम बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा है एक आप बुक के हिसाब से, उसको हम टैगनम बोलते हैं। और ये जो इसकी टैगनम है ये कैसी बनी होती है, ये एक्चुअली सेंसेशियम से बनी होती है, यानी कि ये एक्चुअली क्या है, सेंसेशियल लेयर है, सेंसेशियम होती है, सेंसेशियम हम उस लेयर को कहते हैं जब उस लेयर के सारे सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाएं और उसके न्यूक्लियाई ऐसे ही घूम रहे हों सेंटर में। फॉर एग्जांपल ये क्या थे, सेल्स हैं, ये क्या है, सेल्स की बकायदा लेयर है पूरी, तो ये जो सेल्स की लेयर है ये सारे सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, जब ये सेल्स आपस में फ्यूज़ होंगे तो क्या होगी, इनकी बाहर वाली एक लेयर बन जाएगी और ये बाहर वाली एक लेयर और फिर अंदर वाली एक लेयर बन जाएगी, बाहर वाली एक लेयर और अंदर वाली एक लेयर बन जाएगी, तो ये सेंटर में इसके ये जो न्यूक्लियाई होंगे काफ़ी सारे, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड एक लेयर बन जाएगी। इस लेयर को हम बोलते हैं सेंसेशियम, इसकी ये सेंसेशियम है यानी कि इसकी जो आउटर वाल है ये इस तरह सेंसेशियम बनाती है ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसकी यानी कि बॉडी वाल की ये जो होती है क्यूटिकल होती है, और नेक्स्ट है जो इनके अंदर अडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, कुछ अडहेसिव ऑर्गन्स, और ये जो इनके अडहेसिव ऑर्गन्स है फॉर एग्जांपल यानी कि इसके अंदर सकर्स होंगे, हुक्स होंगे, जैसे इनके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर हुक्स होती हैं, हुक्स होंगी वो क्या करेंगी, होस्ट के साथ अटैच होने में हेल्प करेंगी हुक्स। और जो थर्ड पॉइंट है इनके अंदर, जो इनका जो मस्कुलर सिस्टम है वो डीजनरेटेड होता है, मस्कुलर सिस्टम डीजनरेटिव इनका मस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि इनके जो मसल्स होते हैं वो इतने वेल डेवलप नहीं होते, क्योंकि यही वजह है कि इनको ये इनका मस्कुलर सिस्टम इनकी क्या करता है, डिपेंडेंसी बढ़ा देता है, यानी कि ये ज़्यादा इनसार करना जो है ना करने लग जाते हैं उस उनके ऊपर होस्ट पर ठीक है, इनकी डिपेंडेंसी इंक्रीज कर देता है इनका मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इनको हेल्प करता है, कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनको हेल्प करता है कि एक से ज़्यादा होस्ट पर रहने का,
अगर ये एक ही होस्ट पर रहेंगे तो इनके लिए नुकसान है, सपोज कि कोई वबा फैल जाए वो होस्ट ख़त्म हो जाए तो साथ ये भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब ये एक से ज़्यादा होस्ट पे होंगे तो यकीनन एक तो बच ही जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह ये अपने एक से ज़्यादा होस्ट पर जब रहती हैं तो इनका यानी कि कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनको हेल्प आउट करता है ताकि एक से ज़्यादा होस्ट पर रहें, तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए एक वेल अडेप्टेशन है। और जो इनका जो यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम्प्लेक्स है और इनका लाइफ साइकिल कम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी कम्प्लेक्स ये दोनों ही एक चीज़ हैं, यानी कि इनका ना क्या आज कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, ठीक है, ये भी हेल्प करता है किसके लिए, यानी कि वेल अडेप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। और जो और एक चीज़ है इनके अंदर, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पुअरली डिवेलप है, वो भी इनको क्या करता है होस्ट पर इन्हसार करने में ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, ताकि इनका इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है इसी वजह से ये उस पर ज़्यादा होस्ट पर क्या करते हैं मतलब रहते हैं इन पर। अब हमने इनके अंदर मस्कुलर सिस्टम, इनके अंदर जो है क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा, मैं आपको नर्वस सिस्टम भी बता देता हूँ। इनका जो नर्वस सिस्टम है इनके अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स के गैंगलिया होते हैं, यानी क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं एज ए ब्रेन का काम करते हैं, और यहाँ पर इसके साइड्स पर कुछ जाती हैं नर्व्स जाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लेटरल नर्व्स, लेटरल नर्व कॉर्ड्स, इनके अंदर लेटरल नर्व कॉर्ड्स जाती हैं और कुछ सेंटर से नर्व्स जाती हैं, ये मैं ग्रीन से बना लेता हूँ, सेंटर से ऐसी नर्व्स जाती हैं, ये जो इनके अंदर सेंटर से नर्व जाती हैं इसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कोमिशरीज, कोमिशरीज, इसको बोलते हैं कोमिशरीज, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो सेंट्रल जो नर्व्स होती हैं उसको हम कोमिशरीज बोलते हैं। इस तरह इनके अंदर एक नर्वस सिस्टम भी होता है, इस तरह इनके अंदर बकायदा कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, यानी कि इनके अंदर अब रिसेप्टर यानी कि इनके अंदर जो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन एक चीज़ इनके अंदर अभी भी पाई जाती है जो पीछे नाइडेरियंस के अंदर थी, नाइडेरियंस का नर्वस सिस्टम जो था वो था एक ना प्लेक्सिस फॉर्म, यानी कि एक ना नर्व कॉर्ड, यानी कि एक एक ना नर्व्स का जाल था उसकी बॉडी में जगह जगह फैला हुआ। अब इसके अंदर ये डबल नर्वस सिस्टम है, एक ये वाला नर्वस सिस्टम जो मैंने यहाँ बनाया है ये इनका सेंट्रलाइज टाइप जो है नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो दूसरा है डिफ्यूज टाइप वो कौन सा है, वो है यानी कि जैसा नाइडेरियंस का था वैसा ही इनके अंदर पाया जाता है, एक एक पूरा यानी कि नर्व्स का जाल है जो इनकी बॉडी में फैला हुआ है। ये था इनका नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।